नंबर सिक्स है कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हम सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके शीर्ष है एक और दो चार वाई एक्स सिक्स एंड थ्री फाइव। कह रहा है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब जैसा कि यह समानांतर चतुर्भुज है, अब हमें ज्यामिति से निर्देशांक से निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे इसके मिड पॉइंट निकालेंगे। ये हम नाम दे देती हूँ a b c और d। ओ क्या है पहले ये देखेंगे कि AC का मध्य बिंदु, ओ है। अब हम मध्य बिंदु किसी भी चीज का निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा होता है x2 + x1/2, या कई जगह ये होता है कि y1 + y2/2, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम पहले x से निकालेंगे, ये है हमारा x1, ये हमारा x और ये y, ये x और y। पहले हम देखेंगे इसको और इसको, ठीक है, क्योंकि हमें क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू के मध्य बिंदु में जो होगा वो x की वैल्यू चाहे यहाँ से ले ले चाहे वो यहाँ से ले, इस पॉइंट के निर्देशांक तो बराबर होंगे, इसीलिए हम यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से भी निकालेंगे और दोनों का कंपैरिजन करके फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, x जमा 1 बटे 2। ये किसके बराबर होगा, इस वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 + 3/2। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ हो गए सीधा 2x + 2 और 4 × 3 = 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14। यहाँ 2x = 14 - 2, 2x = 12 और x की वैल्यू आ गई 12/2, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y क्या होता है y1 + y2/2। ठीक है, y1 क्या होगा, 6 + 2 y + 5। ठीक है, y + 5/2 बराबर है 6 + 2/2। तो यहाँ हो गया y + 5/2 8/2, 2 से काटा तो 4, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो गया y + 5/2 = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, यहाँ हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ हो गया y + 5 और 4 × 8 और y की वैल्यू आ गई 8 - 5, y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई। ठीक है,